गुरुवार को सीएम दरबार में उपजे उत्तरा बहुगुणा कांड ने प्रदेश सरकार की पोल खोल कर रख दी है। शिक्षा विभाग जो कि सबसे बड़ा महकमा प्रदेश का है, उसमें कई खामियां निकल कर सामने आई है। वहीं ईटीवी की पड़ताल में जो सबसे बड़ी चीज सामने आई है वह यह है कि कई शिक्षक कई सालों से एक ही जगह पर पोस्टेड है, जिस कारण से उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ गया है, शारीरिक मानसिक तौर पर वो थक गए हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ शिक्षक मौजूद हैं अजय नौटियाल जी। तो अजय नौटियाल जी से पूछना चाहिए कि नौटियाल जी, किस प्रकार की खामियां अभी तक शिक्षा विभाग में रही है, जिस तरह जो कि ये फ्रस्ट्रेशन एक सीएम दरबार में निकला है। इस संबंध में यही कहना चाहूँगा कि हर शिक्षक चाहते एक रोटेशन के तहत ट्रांसफर हो। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि CBSE बोर्ड अन्य प्रदेशों में ये पॉलिसी चल रही हैं और एक रोटेशन की तरह ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि अभी तक उत्तराखंड में इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं आई है, जिस वजह से कई शिक्षक अभी भी दुर्गम में फंसे हुए हैं और परेशान हैं। जैसे कि नौटियाल जी ने कहा कि एक CBSE पैटर्न बोर्ड का जैसे रोटेशन व्यवस्था रहती है कि 3 साल के लिए शिक्षक एक जगह पर आता है और उसके बाद उसका ट्रांसफर हो जाता है, जिससे कि वो अपने समाज और परिवार को पूरा समय दे पाता है। तो वही सवाल यह उठता है कि आखिर प्रदेश सरकार CBSE पैटर्न की तरह ही रोटेशन व्यवस्था क्यों नहीं बनाती है कि जिससे कि इस प्रकार का फ्रस्ट्रेशन सीएम दरबार हो या कहीं अन्य किसी शिक्षक का न